नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। अफेयर के चक्कर में पत्नी की हत्या और बाद में कहा बीमारी के कारण हुई मौत। ATM इस्तेमाल के बाद 12 लोगों ने गवाए 10 लाख रुपए। लड़की ने फाड़ दी पुलिस वाले की वर्दी, तोड़ दी चलान मशीन। अब खबरें विस्तार से। महिला ने करीब 20 साल पहले परिवार के खिलाफ निगाह किया था, जिसके लिए अपने परिवार को छोड़कर आई थी। वही पति किसी और के संबंध होने के शक में गला घोटकर हत्या कर दी। 1 अप्रैल को उसे दफनाने की तैयारी करने लगा। उसी वक्त किसी ने पुलिस को कॉल करके जानकारी दी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटकर बताई गई है। फिलहाल पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोसियों ने भी आसमा की बीमारी होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया, जो 3 अप्रैल को हुआ। इसकी रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटकर बताई गई है। पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने असीम को गिरफ्तार कर लिया। वह जफराबाद इलाके में जैकेट और कूलर बनाने का काम करता था। ATM कार्ड का इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के लोगों की इन दिनों नींद उड़ चुकी है। इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों से वहां हो रही धोखाधड़ी। दरअसल ईस्ट दिल्ली के करीब 1 दर्जन लोगों की शिकायत है कि पिछले दिनों उनके ATM कार्ड की कथित क्लोनिंग करके पैसे निकाले गए हैं। अगर सबकी शिकायतों को देखा जाए तो करीब 10 लाख रुपए का चूना लग चुका है। सभी का कहना है कि उन्होंने लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद अलग अलग ATM से पैसे निकाले थे। इसके बाद उनकी जानकारी के बिना नोएडा समेत बाकी जगहों से पैसे निकाले गए हैं, जबकि कार्ड उनके पास मौजूद है। जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उनमें से ज्यादातर पंजाब नेशनल बैंक का ATM इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल पुलिस को धोखाधड़ी की ऐसी 12 शिकायतें मिली है। पुलिस इस वक्त ऐसे ATM की CCTV फुटेज जांच कर रहे हैं, जिन पर कोई गार्ड तैनात नहीं होते हैं। बिना हेलमेट बाइक पर जा रहे लड़का लड़की को रोकना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए मुसीबत बन गया है। आरोप है कि लड़की ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी से न सिर्फ हाथापाई की बल्कि चलान मशीन भी सड़क पर फेंक कर तोड़ डाली। भीड़ जमा हो गई, फिर ट्रैफिक पुलिस कर्मी को 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाना पड़ा। आरोपी लड़का और लड़की के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, हाथापाई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाम 5 बजे बेनता देसिका मार्ग पर बेस सराय मार्केट की तरफ से बाइक पर एक लड़का लड़की बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे थे। कांस्टेबल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार तेज करके तब निकल गए। 10 मिनट बाद फिर से वो दोनों लौटकर वापस आए और कांस्टेबल से हाथापाई शुरू कर दी। लड़की ने हंगामा किया, वर्दी फाड़ दी। जब बाइक के कागजात मांगे तो उन्होंने चालान मशीन उठाकर सड़क पर फेंक दी, फिर मोबाइल छीनने की कोशिश की। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।